नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में। और ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस यह कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस का मॉडिफाइड वर्जन है। कह सकते हैं कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है तो कंप्रेशन मोल्डिंग की, वो ट्रांसफ़र मोल्डिंग की फॉर्म में हुई है। और ट्रांसफ़र मोल्डिंग में जिस मटेरियल के साथ हम प्रोसेस को करते हैं उसके लिए हमें थर्मोसेट पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि ट्रांसफ़र मोल्डिंग जो प्रोसेस है इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कंप्रेशन मोल्डिंग में मटेरियल कॉम्प्लेक्स मोल्ड के इंट्रिकेट पार्ट्स में फ़्लो नहीं करता था और साथ में रिक्वायर्ड प्रेशर भी ज़्यादा होता था। क्योंकि मोल्ड में मटेरियल सॉलिड स्टेट में इंट्रोड्यूस होता है और मटेरियल मोल्ड में अपने आप फ्लो करता है और प्लास्टिसाइज भी हो जाता है। तो कंप्रेशन मोल्डिंग में आने वाली इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये उन सभी इंट्रिकेट शेप्स को बनाने के लिए सूटेबल है जहां पर वॉल थिकनेसेस जो वेरी करती हैं। क्योंकि ट्रांसफ़र मोल्डिंग में हम उन इंट्रिकेट पार्ट्स को बना सकते हैं जो कंप्रेशन मोल्डिंग से नहीं बनाए जा सकते, और उनको नहीं बनाया जा सकता जो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ एक भी बात समझ में आती है कि हम उन पार्ट्स को बना सकते हैं जिसे हम कंप्रेशन मोल्डिंग से नहीं बना सकते, वो ट्रांसफ़र मोल्डिंग से बन सकते हैं। तो बात करते हैं कि इस प्रोसेस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कैसे इसमें वर्किंग होती है। तो सबसे पहले अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या है कि एक इसमें ट्रांसफ़र जो रैम यहाँ पर लगा हुआ है इसकी जगह ट्रांसफ़र प्लंजर का हम यूज़ कर सकते हैं या किसी रोटेटिंग जो स्क्रू फीडर है उसका यूज किया जा सकता है। और यहाँ एक ट्रांसफ़र पोर्ट लगा है जिसमें यहाँ पर हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जो थर्मो सेटिंग चार्ज या थर्मो सेटिंग जो मटेरियल है उसका हम यूज़ करते हैं। नीचे ये मोल्ड कैविटी बनी हुई है जिसमें मटेरियल को फ्लो करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अनएक्योर्ड थर्मोसेटिंग चार्ज या प्लास्टिक है उसको जो हीटेड ट्रांसफ़र पोर्ट है या चैम्बर है इसमें इसको लोड कर दिया जाता है मोल्ड कैविटी में डालने से पहले। और जैसे ही जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक या चार्ज प्रॉपर टेम्परेचर पर पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हीटर लगे होते हैं तो जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जैसे ही ये हमारे प्रॉपर टेम्परेचर पर पहुँचता है इसको हम जो हीटेड जो क्लोज्ड मोल्ड है इसमें इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे इसमें इसको इंजेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है, हम रैम की मदद ले सकते हैं, प्लंजर की मदद ले सकते हैं या फिर रोटेटिंग स्क्रू फीडर की मदद से इस मटेरियल के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया जाता है ताकि ये जो नैरो चैनल है इस नैरो चैनल के माध्यम से ये मोल्ड कैविटी के अंदर चला जाए। क्योंकि जब ये इसके अंदर फ्लो करेगा तो यहाँ पर कुछ इंटरनल फ्रिक्शन भी होगा और जिसके कारण इंटरनल हीट भी जनरेट होगी और इसके कारण इसका टेम्परेचर भी और बढ़ जाएगा मटेरियल का और ये होमोजेनाइज हो जाएगा। और जैसे ही हम मटेरियल को इसमें फ्लो कर देते हैं इसको पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट थी जिसके माध्यम से हमारा जो मटेरियल गया है इसको हमने स्प्रू बोला है। तो जैसे ही इसके अंदर ये चला जाएगा तो यहाँ पर क्यूरिंग होगी। क्यूरिंग बेसिकली क्रॉस लिंकिंग के द्वारा होती है मटेरियल की आपस में, क्योंकि जो मटेरियल होता है मोल्टन स्टेट में यहाँ पर होता है। तो जैसे ही क्यूरिंग ख़त्म हो जाएगी तो क्यूरिंग ख़त्म होने से क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र जो रैम है हमारी उसको वापस फिर उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इसको वापस हम जब रिट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे इंजेक्टर पिन्स लगी हैं इनकी हेल्प से जो मोल्डेड पार्ट है उसको ऊपर उठा लिया जाएगा और उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा। अगर इसमें हम देखें जब हम रैम को ऊपर की तरफ वापस उठाते हैं तो इसके नीचे कुछ मटेरियल लग जाता है, एक जो स्प्रू हमने बात की है और यहाँ पर कल है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे जो रैम के साथ अटैच हो जाती हैं और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो मटेरियल वेस्टेज भी होता है और इसको बाद में मैन्युअली इसको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि इसको हमें रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसको हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर जो क्यूरिंग टाइम लगता है इस प्रोसेस के दौरान वो हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग के मुकाबले
कम लगता है। तो ये इस प्रकार से ट्रांसफर मोल्डिंग में पूरी तरह से वर्किंग होती है। और इम्पोर्टेंट बात कि जो मोल्ड हम इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले मोल्ड के कंपैरिजन में। दूसरा कि हमने इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेट पॉलीमर का ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसको मोल्ड करना और मैनिपुलेट करना आसान होता है, क्योंकि क्यूरिंग के बाद ये परमानेंट फॉर्म में हार्ड हो जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसफर मोल्डिंग के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, इसमें हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगती है और जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं विद मेटल इंसर्ट उनको बनाया जा सकता है। इसमें डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे लिए पॉसिबल है, डायमेंशनली स्टेबल होते हैं जो कंपोनेंट हम बनाते हैं, प्रोडक्शन रेट भी इसका ज़्यादा रहता है और फास्ट सेटअप टाइम और लोअर सेटअप कॉस्ट इसकी होती है। तो इतने सारे इसके एडवांटेज हैं, उसके बावजूद भी इसमें कुछ खामियां हैं। जैसे इसमें जो मटेरियल है वो वेस्ट होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि जो स्प्रू और कल के साथ जो मटेरियल अटैच हो जाता है तो ये एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल है हमारी। उसके बाद जो प्रोडक्शन रेट इसका अगर जब कंपेयर करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ तो उसके मुकाबले प्रोडक्शन रेट कम है। और कई बार क्या होता है कि मोल्ड में जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है जिसके कारण कोई डिफेक्ट आ सकता है। जो रनर्स हम यूज़ करते हैं जो स्क्रैप के साथ ये जो चैनल्स बने हुए हैं तो बेसिकली ये स्क्रैप होता है और एक हमारे लिए अनइकोनॉमिकल ये हो जाता है। और इसमें जो मोल्डिंग प्रेशर हम यूज़ करते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग के मुकाबले वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें, इस प्रोसेस का प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, रबड़ या फिर सिलिकॉन पार्ट बनाने के लिए ट्रांसफर मोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कंप्रेशन मोल्डिंग का मॉडिफाइड वर्जन ट्रांसफर मोल्डिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।